नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज। आइए ले चलते हैं आपको बड़ी खबरों की ओर। प्रदेश सरकार की कैबिनेट व निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने समाज के सम्मान के लिए भाजपा को जिताने हेतु जनसभा को संबोधित किया। प्रयागराज में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने प्रयागराज संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार नीरज त्रिपाठी के समर्थन में जसरा के कंजासा में जनसभा किया। मेजा में भी जनसभा को संबोधित किया गया और जनसभा में गुजरात अहमदाबाद के विधायक हार्दिक पटेल, विधायक कर्चना पीयूष रंजन निषाद, विधायक बारा डॉक्टर वाचस्पति, निषाद पार्टी सेवा भारती गुजरात संयोजक हितेश खंडोर, निषाद पार्टी जिलाध्यक्ष राम टहल निषाद, श्यामू निषाद, राष्ट्रीय सचिव संजय शुक्ला, दयाशंकर निषाद, सुनील निषाद, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष विभव नाथ भारती, जिला मीडिया प्रभारी दिलीप कुमार चतुर्वेदी, मंडल अध्यक्ष जगत शुक्ला, अपना दल ब्रजेश पटेल समेत हजारों में निषाद समाज के कार्यकर्ता एवं जनमानस उपस्थित रहे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज, आपकी खबर हमारी नजर। उन्होंने कहा कानून बनाओ, उनको अपने विभाग से बाहर का रास्ता दिखाओ, अनुशासन की धरती छोड़ो। हर ब्लॉक में स्मृति की भर्ती होने जा रही है। अब अपना बेटी बेटा को पढ़ाओ और उनको नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी, रोजगार देने का काम हमारी सरकार करेगी। मैं इतने बात कहूंगा, तुम्हारे समाज के तमाम नेता हुए, महेश्वरी राजा खरीरा मनवा, रघुवर दाल मनवा, मनवर लाल जयपाल कश्यप धोरे, जमुना निषाद फूलन देवी जिंदा है कि मार दिया? मारी गए। सारे पार्टियों ने सपा बसपा कांग्रेस ने हमारे नेताओं को जिंदा रखा कि मार दिया? मार दिया। क्या किया? मार दिया। क्या किया? मार दिया। कांग्रेस ने क्या किया? मार दिया। क्या किया? मार दिया। क्या किया? मार दिया। मरवाना चाहते हो? नहीं। डॉक्टर संजय को मरवाना चाहते हो? हाथ उठाओ, कम मानेंगे। फिर अगर हाथ उठाना चाहते हो आपकी सेशन कोर्ट मिलेगा, उनकी रैली में जाना है, उनका एक वोट जाएगा। पूरा हाथ उठा कर मानेंगे, पूरा हाथ उठाओ, पूरा हाथ उठाओ, हाथी वाले कोर्ट मिलेगा, हाथी वाले को मिलेगा। उनको रैली में जाना है, काम घुसने देना है। बोला भैया, ये छोटे मेहमान है कि बहुत बड़े मेहमान है? पिछड़ा आ जाओ, हरियाणा मनाई बातें हो कहा हमारे मनोरंजन के नहीं देखे जाता है। अरे दादा मत अकेलो भाई, भाग विधाता चलो पीछे, छोटका नेता दादा पैदा कर नहीं सकते। दर्शन कर रहा था, अगर हमारी बात मानोगे, देखो मैं कहता हूँ, एक साथ इसका समाज हो जाता है, राजनीतिक दल के साथ हो जाता है, वो समाज हीरो हो जाता है, और जो नहीं रहता वो जीरो हो जाता है। तुम्हारी लड़ाई अगर डॉक्टर संजय होती, प्रधानमंत्री तक वकालत करके भी आ रहा हो, तुम्हारे सामने हमीरपुर से आ रहा है, तुम्हारा बेटा प्रधानमंत्री के पास जाकर वकालत करता है, गृह मंत्री के पास करता है, मुख्यमंत्री के पास करता है। 70 साल में निषाद राज का खून भारत के साथ आया कि नहीं आया? बोला भैया आया कि नहीं आया? हमें क्या चाहिए, कौआ कि पारा? बोला हाँ। पैसा चाहिए कि पारा? बोला पावर। क्या चाहिए? पावर। मोदी में पावर है कि नहीं है? डॉक्टर संजय में पावर है कि नहीं है? पावर है कि नहीं है? सरकार में पावर है कि नहीं है? और सही के लिए पावर का क्या हो? नहीं हाथ हिला सर, खाने वाले भाई सब हाथ हिलाओ। पूरा साइकिल में पावर है क्या? साइकिल में पावर है क्या? पावर है क्या? तुमके पास पावर है क्या? अगर हम जवान बाटी की होशियार हो गई हो, यार मनी सरकार के साथ रहला, जवान मनी सता जाला कि पैमाना के साथ रहला। सरकार में कम है, सरकार है ये पुलिस दरोगा एसडीएम डीएम सैकिल के सुनी है कि कमल के? कमल के। बोले भाई यहाँ से निषाद राज से पाप होता था कि पुण्य होता था? बोले भैया अपने हाथ से क्या चाहते, पाप कि पुण्य? 80 करोड़ लोगों का अनाज खिलाना क्या है पुण्य? क्या है पुण्य? अरे गरीबों का अनाज खिलाना क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? अरे गरीबों का अनाज खिलाना क्या है? बोलो क्या है? तो भैया कमल गरीबों को अनाज दे रहा कि नहीं दे रहा? दे रहा है। हाथ उठा के बोलो दे रहा है। दे रहा है, दे रहा है। अनाज गोदामों में सड़ रहा था, गरीब भूखा मर रहा था, आज के दिन में देखो कमल गरीबों को खाना खिला रहा है कि नहीं खिला रहा है?
80 करोड़ लोग कमल खिला रहे हैं नहीं खिला रहे हैं? 80% हमारा है कि नहीं है? 20 में भी हमारा है कि नहीं है? मैं चाहता हूँ आज के दिन में मैं डॉक्टर था 23 साल तक, मेरे गरीब समाज के लोग आते थे, ज्यादातर साहब आते थे, जब मेरी बात सुना तो उन्होंने कहा क्या होना चाहिए, हमने कहा गरीबों के इलाज की व्यवस्था होना चाहिए, 5 लाख का इलाज फ्री में कर दिया है, आयुष्मान भारत कार्ड है, हमने कहा मेरे समाज का आयुष्मान भारत कार्ड नहीं बना है, योगी जी को बधाई दे दो, 5 लाख का इलाज निषादों के फ्री में हो जाए, क्या इलाज कराओ, चले जाओ, मैं आज कह रहा हूँ क्या भर्ती हो जाना, मोबाइल में ले लेना, डॉक्टर से कहना, डॉक्टर संजय आए थे, मत्स्य मंत्री आए थे, मत्स्य विभाग में हमारे इलाज की व्यवस्था किया गया है, डॉक्टर साहब भरिए, उसमें भरिए रोग भरिए पैसा भरिए, 5 लाख का इलाज डॉक्टर संजय योगी जी के दीजिएगा आपको, क्या निषादों को 1 रुपया दिया था क्या? बोले भैया नहीं, के लिए कोई रुपया दिया था क्या? नहीं, आज की व्यवस्था हो गया, खाने की व्यवस्था हो गया, आज जानी तुम्हारा कंडासा बड़े बड़े गांव हैं, इस इलाहाबाद में निषादों से भरा हुआ है, आज ही तुम्हें आदेश करता हूँ पैसा लाए हो 25 करोड़ 42 लाख का एक एक नए हाल तुम्हारे गाँव में निषाद राज का हाल बना है, ऐसा आएगा हमें बैठ के सजी नगर हुई, उसमें 10 कंप्यूटर हम देंगे, 10 कंप्यूटर है विधायक देंगे, 10 कंप्यूटर है विधायक देंगे, 2500 कंप्यूटर हो जाएगा सभी विधायकों का, और उसमें बेटा बेटी बैठेंगे, दुनिया की किताब उसी कंप्यूटर से पढ़ेंगे, और गांव के कंजासा की बेटी और बेटों को डॉक्टर इंजीनियर भी हम गलत नहीं बनाया, डॉक्टर सिंह का नाम क्या भाई, अपने समाज की बेटी बेटे को केवल मजदूर बनाना है कि मालिक बनाना है? मजबूत करना है, तुम्हारे बेटे की शिक्षा का पैसा आया है, तुम्हारे बच्चों की आने का जाने का सहयोग तो तमाम है, निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देने आया हूँ कि कभी निषाद राज पुष्प विमान से चलते थे, अब तुम्हारा बेटा डॉक्टर संजय हमारे समाज के लिए के लोगों ने, इलाहाबाद के लोगों ने पूरे प्रदेश में जय निषाद राज का नारा ये टोपी झंडा पहुंचाया, और इस देश के पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी, तो नौ बार जय निषाद राज का नारा, अरे पहले बार हम प्रधानमंत्री, इससे पहले प्रधानमंत्री कभी निषाद के बेटे को अपने बगल में खड़ा नहीं किया था, तो प्रधानमंत्री बात छोड़ दे मुख्यमंत्री के मंत्री तुम्हारे समाज के बेटे को बगल में खड़ा करना गाँव में चलता है,